नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्र सरकार युवाओं के साथ साथ विपक्ष के भी निशाने पर है। कुछ दंगा छात्र भड़का रहे हैं तो कुछ विपक्ष पैसे देकर करवा रही है। विपक्ष और खासकर अखिलेश यादव इसे अपने लिए मौका मान रहे हैं। अखिलेश ऐसी सोच रखते हैं कि इस मौके को भुनाकर देश के युवाओं को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। क्या कहा अखिलेश ने इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सेना में भर्ती के नाम पर 4 साल का धोखा देने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ युवा शक्ति का एकजुट होना साबित करता है कि उनके सब्र का बांध टूट गया है, वो अब इसे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। यादव ने जारी बयान में कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि देश के कई प्रदेशों में भड़की विरोध की ज्वाला युवा विरोधी सत्ता को भस्म कर देगी। पिछले कई सालों से सेना में भर्ती नहीं हो पाई है और जिनकी भर्ती हुई वो कोविड से प्रभावित हो गए, अब उन्हें निरस्त किया जा रहा है। इससे जो लोग पास हो चुके हैं, जिनका मेडिकल हो चुका है, उन्हें जीवन भर के लिए नौकरी मिलना था, अब 4 साल के लिए मिलेगी। फिर 4 साल के बाद क्या होगा, ये घोर अन्याय है। अगर सरकार पक्की है तो युवाओं को नौकरी भी पक्की होनी चाहिए। उन्होंने कहा, आज देश की स्थिति इतनी विकराल है कि सेना जैसी अति संवेदनशील जगह में संविदा पर सैनिक रखे जा रहे हैं। भाजपा वाले नौकरियां आउटसोर्स कर युवाओं का भविष्य बर्बाद कर देंगे। सपा का मानना है कि आउटसोर्सिंग का मतलब संविधान से दिया हक और सम्मान छीन लेना है। भाजपा सरकार $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखाती है, वहीं युवाओं को किसानों को देने के लिए सरकार का खजाना खाली है। यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने अपने कार्यकाल में सैनिक स्कूलों की स्थापना की, कई जिलों में सेना भर्ती कराई, ग्रामीण क्षेत्र के उनमें भी ज्यादातर किसानों के बेटे सेना में भर्ती होते हैं। भाजपा को गांव, गरीब और किसानों नौजवानों के कल्याण में कोई रुचि नहीं है। अपनी जन विरोधी योजनाओं और नीतियों से भाजपा इनके हितों की अनदेखी करती है। अग्निपथ को लेकर सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है, जिसकी उम्र सीमा को 2 साल तक बढ़ा दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में, असम राइफल्स में, सीएपी में रिजर्वेशन। अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है। पूरे विपक्ष का जोर सिर्फ बीजेपी पर है, हर फैसले को गलत साबित करने पर है। ये नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाने में तुले हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।